Okay, I really relate to the character. Soumya ka character jo bahut close hai mere life. Actually, main Soumya jaisi hi hoon. Chubby and main pehle bachpan se chubby rahi hoon and khane I put on weight for the show, but I lost a lot of weight. Main bachpan mein chubby thi aur I think 2-3 years back I was quite this thing. To ki confident, you can still be confident even if you're chubby and you know in your own world and all happy and all that. I really relate to the character. And jo concept tha ki a fit guy and a fitness freak falling in love with a chubby girl, I thought love the concept. And also it was Gul Ma'am's show, so I thought sabse pehle haan maine isliye keh diya kyunki Gul Ma'am ka show tha. Okay. Actually main bhi character se kafi relate karta hai, ye sab bakwas hai. Main sach batata hu, main suhani karte karte bore ho gaya tha, ye offer ho gaya, maine haan kar diya. Okay. मुझे गुल मैम से कॉल आया, शी वाज लाइक लुक टेस्ट करते हैं, छोटा सा ऑडिशन करते हैं और फिर जस्ट मैं ओनली डन अ शो विद हर, आई डन कबूल है विद हर. मैं लुक टेस्ट पे गया था, कबूल है आई थिंक वरुण तुर्की वाला था. या सीजन 2 के लिए 3 हां थर्ड. तो फिर वहां गुल मैम बाय चांस आई हुई थी, तो फिर मेरे को उन्होंने डायरेक्ट देखा और बोला यही लड़का है, यही चाहिए. मुझे इसका रिएक्शन सुनना है, व्हाट इज दिस मत पूछ. एक्चुअली हम लोग पहले मिले उससे पहले बातचीत हो चुकी थी ना अपनी, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं, इसने मुझसे बात ही नहीं की, वहां से चला गया. तो मेरा कोई इंप्रेशन है लाइक इसको क्या हो गया, मतलब वैसे तो इज नॉर्मल नहीं, उसका रियल लाइफ कैरेक्टर वैसा है, वो जल्दी से बात नहीं करता अगर मिलता है तो. अच्छा, टेक्स टाइम. मैं तो एकदम नेहा को जब मैंने पहली बार देखा था लुक टेस्ट पे, मैं तब लुक टेस्ट से जा रहा था और ये आ रही थी, ये यूजुअली लेट ही आती है हर जगह, आपको तो पता ही होगा यहाँ पे भी लेट आई है. तो मैं जब नेहा को पहली बार देखा, इतनी फिट थी नेहा, एकदम स्लिम ट्रिम. मैंने बोला मैम ने तो कुछ और ही रोल बताया था, बोला था मोटी लड़की होगी, बट मैम ने इतनी फिट लड़की ले ली है. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला बहुत अच्छी है, सुंदर भी है, फिट भी है, क्या पता कोई चांस हो. बट कट टू 3 या 4 महीने बाद जब मैं इससे पहले लुक टेस्ट में मिला, इसने इतना वेट गेन कर लिया था, तो मैं थोड़ा डर सा गया था. तो पहला इंप्रेशन और डर क्यों गया था यार, गुल मैम के शो में उठाना होता है ना हीरोइन को, कैसे उठाता मैं. कंफर्टेबल पता नहीं, डिस्कम्फर्ट कभी नहीं था, हम हमेशा कंफर्टेबल थे. हाँ, बट मैं ही थी हु वाज ऑलवेज ब्रेकिंग द आइस और मैं हमेशा की बात करती रहती थी, बर्फ तोड़ती थी. मैं हमेशा की बात करती रहती थी, ये थोड़ा कम बोलता है तो इसको टाइम लगता है. आप तो देखिए मैं कितना कम बोलता हूँ. सिर्फ एक दो नहीं बोल सकते? नहीं, अच्छा ठीक है चलो. Beauty with brains, perfect okay. जाता है इसके लिए. Really? हाँ. Okay, नहीं यार, and say. I'm quite sure. He's a gem of a person. Okay, great. So, okay, any plan? अच्छा. मैंने सोच लिया था पहले. हाँ, मेरा फोन. मैंने इसका फोन ले लिया था एक बार. अब मुझे लगा था कि एक्चुअली चोरी हो गया है मेरा फोन क्योंकि. But मैंने उसे संभाल के रखा था. क्योंकि इसने छोड़ दिया था कहीं पे तो फोन अपना. Yeah, I give it to him only. अभी से ताकि वो ले नहीं सके मुझसे फोन. हाँ, of course. हाँ, खड़े हो जाने यार. नहीं, वो तो हाँ, इसकी नहीं, इसकी सबसे ज्यादा जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है वो ये है कि हाँ नहीं यार तो क्या. And then he lost. वो बात करते करते वो ब्लैंक हो जाता है. और अगर मैं उससे बात करी वो मुझे से देखता रहता है, and then he's like, फोन में बिजी हो जाता है. I'm like, अरे मैं कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ तेरे साथ, and he's lost. देखा? एक ही चीज है इसकी annoying, that he zones out. Otherwise, he's fun to be around. और इसकी भी एक annoying आदत है, सेट पे सबका खाना खा देती है. नहीं, नहीं, आप प्लीज उधर जाओ. नेहा. ओके एंड हु इज द गुड लिसनर? मैं. बता. अभी बता दियो, सारा सस्पेंस खुल जाएगा. एक्चुअली मुझे लग रहा है एक पूरी नई नेहा आएगी शो में. ऐसा मुझे लगता है. पूरी नई नेहा? हाँ, वो अब सारा नहीं बता सकता ना, फिर वो खत्म हो जाएगा ना. अच्छा, इतनी प्यार, इतनी मेहनत से एक शो बनाया है.
सबसे बेस्ट मैसेज देती है ना, वो भी बेस्ट करता हूं यार मेरी तरफ से भी ये मैसेज। मैं फैंस को ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू इतना प्यार देने के लिए और हमें इनकरेज करने के लिए कि हम अच्छा काम करते जाएं, और ये बताएगा थैंक्स। मैं भी बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, बहुत प्यार मिला है हमें और हम चाहते हैं कि हमें मिलता रहे, और दिल बोले ओबरॉय को भी बहुत प्यार दीजिए क्योंकि शो की स्टार्ट है। थैंक यू।